ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 22 होगा और हम पिछले 1 साल की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर, क्योंकि इसलिए हमको डिस्कस करना है कि 69 नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021। अभी 2021 का इतना पुराना क्यों कर रहे हैं? देखिए ये एक्चुअली अवार्ड जो थे 2021 में ही दिए जाने थे, लेकिन कोविड आया, कोविड की वजह से ये डिले हो गया और फिर ये अवार्ड 2000 अक्टूबर अगस्त 2023 में दिए गए। तो इसलिए हमको सॉरी ये अनाउंस किए थे और इस 17 अक्टूबर 2023 को ये दिए गए हैं। इस डेट को 24 अगस्त 2023 को ये अनाउंस किए गए थे। इसलिए ये जो अवार्ड थे, एक्चुअली ये जो अवार्ड थे ये 3 मई 2020 को देने थे, लेकिन कोविड आया, कोविड की वजह से डिले हो गया। तो इसलिए ये 69th नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो है हमको याद करके जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, लेकिन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक सा देखते हैं जो हमको आपको पता होना चाहिए। देखिए दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। कौन सी कंपनी बनाई ये जरूरी नहीं है। तो ये या राजा हरिश्चंद इंडिया की पहली साइलेंट मूवी थी, और ये पता होना चाहिए। और ये मतलब इंडिया की साइलेंट मूवी थी, इसको प्रोड्यूस और किसने डायरेक्ट किया था, इन्होंने दादा साहेब नहीं किया था। दूसरी मूवी जो आई आलम पारा, ये बोलने वाली मूवी थी, इंडिया की पहली बोलने वाली मूवी आलम पारा थी, और इसको परदेसी ईरानी ने इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। तो ये दो क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह, और मैंने ऐसे ही रख लिए कभी आयोग रख दे। अब ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया जाता है? देखिए जिन्होंने इंडियन सिनेमा को प्रमोट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, ये अवार्ड उनको दिया जाता है। ठीक है, तो अब दो टाइप के अवार्ड हैं। देखो एक तो ये है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और एक अवार्ड ये है दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो ये जो है ये भारत सरकार देती है, ये वाला अवार्ड, ये जो अवार्ड है ना, ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये भारत सरकार देती है। और ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है, ये दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ एक सेकेंड, ठीक है। तो दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड है ये उनको दिया जाता है जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ग्रो और उसके डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रोल अदा करा है। उसको वर्ल्ड में, देखिए हमारे इंडिया के अंदर एक जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड से ही भारत की पहचान बहुत अलग अलग देशों में होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये जो हमारी लीगेसी है हम इसको बरकरार रखें, और बरकरार तभी रख सकते हैं कि कुछ लोग जो भारत का सिनेमा है उसको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले जाए, भारत की जो मूवी है अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखी जाए। यही कारण है कि अलग अलग जो लैंग्वेज है भारत की मूवी अलग अलग लैंग्वेज में डब की जाती है, जिसको जैसे इंडोनेशिया मलेशिया अलग अलग देशों में देखा जाता है। तो ये हमारे, अब देखिए ये जो अवार्ड था जैसे मैंने आपको बताया ये 3 मई 2022 को देना था, लेकिन ये डिले हुआ कोविड की वजह से। अब ये जो अवार्ड था 17 अक्टूबर 2023 को दिया गया, ये किसको दिया गया? देखिए वहीदा रहमान, वहीदा रहमान को ये 2021 का अवार्ड जो लाइफ, देखिए ये आपको बताना, दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का अवार्ड इनको दिया गया है। आप देख सकती हो ये तो इन्हें, इनको आपने पुरानी मूवी में भी देखा होगा, तो आप इनकी मूवी देख सकते हो। यहाँ पर ये नाम दिया गया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था यहाँ से मीडिया से। तो अब चलते हैं हम दूसरा, तो 2021 में जो 69 नेशनल फिल्म फेयर ये अवार्ड था, इसमें सबसे बेस्ट मूवी ये नंबी मूवी, ये बहुत अच्छी मतलब बेस्ट फिल्म अवार्ड का जो दर्जा है वो इसको मिला है। बाकी आप देखते चले जाना कि भाई बेस्ट एक्टर मैंने यहाँ पर शायद, हाँ ये यहाँ पर आप देख लेना, ये मैंने नीचे डाल रखा है कि अल्लू अर्जुन को जो है पुष्पा के लिए मिला था। तो आप देख लेना इसमें यहाँ पर कि भाई कौन सा, देखो ऐसा सारे तो बहुत मुश्किल होते हैं याद करने, क्योंकि ऐसा नहीं कोई यही अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड होते हैं। तो ऐसा बेस्ट एक्टर्स और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, बेस्ट मूवी, तो एक बार ऐसा थोड़ा सा ऐसा दिमाग में बैठ जाता है, तो हो सकता है एलिमिनेशन मेथड से आप कर पाओ। अभी हम पढ़ते हैं दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। तो देखिए ये जो फेस्टिवल है 2000 मतलब कब इसको
फाउंडेशन हुई, कब बना, कब से देनी स्टार्ट करें, वो जरूरी नहीं है। बस यहाँ याद रख लेना कि भाई ये जो है, ये वाला दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, ये अलग है और ये वाला अवार्ड अलग है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। वैसे बहुत सारे दादा साहेब फाल्के के नाम पर बहुत सारे अवार्ड बने हुए हैं, लेकिन आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस दो ही कर लो। बहुत सारे बने हुए हैं, सच में कंफ्यूजन रहता है। अब यहाँ पर जो है ये थोड़े से करके जाना कि भैया जो बेस्ट एक्टर था, बेस्ट एक्टर कौन था, शाहरुख खान जवान मूवी के लिए हो, तो ये जो है दो तीन ऊपर ऊपर के देख लेना भैया, बेस्ट फिल्म कौन सी थी, तो ये एक बार देख कर चले जाना कि इसमें से बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, तो ये देख कर चले जाना एक बार, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है सारे के नाम याद करना। तो एक दो बार ऐसे देख लोगे मूवी, तो बहुत लोग देखते हैं तो ऐसा पता रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रहता है। अच्छा ठीक है भाई, ये वाले आंसर है इसका। ठीक है, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेबलिस कहाँ पर बना है? देखिए ये बना है गुजरात के अंदर, और कच्छ जो गल्फ ऑफ कच्छ है वहां पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इंडिया का ये लॉन्गेस्ट केबल्ड स्टे ब्रिज है ये, तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश भी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मांगना चाह रहा है, तो इस टाइम टोटल 11 स्टेट हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया गया, दर्जा दिया गया था। एक तो नॉर्थ ईस्ट के हो गए, देखो किन किन को दिया जाता है, इनकी कैटेगरी आप याद रख लेना। अगर जो हिली टेरेन है, जो मतलब माउंटेनियस रीजन है, जैसा कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो हिमाचल प्रदेश को भी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है। स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस जब दिया जाता है, जब भी सेंटर कोई भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम चलती है, तो ऐसा चलता है कि ऐसा 90 to 10%, मतलब मान लो कि अगर मान लो 100 करोड़ की कोई स्कीम है, तो 90% उसका पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और 10% ही स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो ये फायदा होता है स्पेशल कैटेगरी के स्टेट उसमें, ठीक है। और थोड़ा सा और मुझे लगता है कि और भी होता होगा इनका, कि अलग से फाइनेंस करते होंगे। दूसरा कंडीशन था, एक तो लो टेरेन होना चाहिए वहां पर, हिली टेरेन, सॉरी लो टेरेन नहीं, हिली टेरेन। हिली टेरेन का मतलब बहुत पहाड़ी वाड़ी इलाका हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट के सारे सिक्किम सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारे हिली टेरेन है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड साइजेबल शेयर ऑफ द, वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रह रही हो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, जैसे कि ये जितने भी हिली एरिया है, ये सारे जो चाइना से लगे हुए हैं और ये और इधर म्यांमार से लगे हुए हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के मामले में बैकवर्ड ना होनी चाहिए। तो ये कुछ थोड़े से फीचर, अगर आपके स्टेट में ये फीचर है और तो उसको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है। जैसे कि अरुणाचल सॉरी आंध्र प्रदेश में ये नहीं है, हिली टेरेन नहीं है, और बिहार की मांग, बिहार में आए दिन मांग उठती रहती है, तो वहां भी बहुत मुश्किल होगा। तो अब कौन कौन से स्टेट को ये दर्जा दिया गया है, ये जरूरी होते हैं। देखो आसाम, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हैं उनको सबको मिला, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और मिजोरम हो गया। उत्तराखंड को मिला हुआ है, हिमाचल को मिला हुआ है, तेलंगाना को मिला हुआ है। तो भाई ये अच्छे से पता होना चाहिए भाई कि हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ है कितने स्टेट हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है और उसकी बात हो रही है कि भाई इनको मिलना चाहिए, तो वो तो अलग की बात है कि मिले या ना मिले, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस के बारे में। तो इसमें मैंने कोई नए क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए, हाँ फेस्टिवल से अवार्ड से क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन अब बहुत टाइम लगता है उनको क्वेश्चन को यहाँ पर ढूंढ कर रखना, मैं लेकिन मैंने पढ़े हुए हैं, तो इस टाइप के अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं। तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में।